हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे और देख रहे थे पेलियोलिथिक एज के बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में, और इसे पुरापाषाण काल में कौन कौन सा स्थल है, कहाँ पे स्थित है, इन्हें स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश में हमने बातें किया था मिर्जापुर जिला से, इलाहाबाद जिला से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में निम्न पुरापाषाण काल के कहां कहां से स्थल प्राप्त हुए हैं, इस पर हम बातें करते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र से निम्न पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल के स्थल एवं नोट कर लें। महाराष्ट्र के निवासा, महाराष्ट्र के निवासा के पास है चिरकी, महाराष्ट्र के निवासा चिरकी, चिरकी से हेंडेक्स खुरचनी, हेंडेक्स हेंडेक्स खुरचनी खुरचनी बेधनी खुरचनी बेधनी इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं, इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। आगे नोट कर लें स्टारना के महाराष्ट्र के कोरेगांव, महाराष्ट्र के कोरेगांव, महाराष्ट्र के कोरेगांव चंदौली, देखिए चंदौली उत्तर प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, चंदौली और शिकारपुर से शिकारपुर और शिकारपुर से पूरा पाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, पूरा पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक सवाल बनता है, पूछा जाता है कि रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है नवासा से, निवासा से रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है और वो है आपका जो चंदौली है महाराष्ट्र का, वहां से लोहे का भी साक्ष्य मिलता है, चंदौली से किसका साक्ष्य मिलता है, लोहे का भी साक्ष्य मिलता है। नोट कर ले स्टारना के महाराष्ट्र के निवासा से, महाराष्ट्र के निवासा से रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जबकि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जबकि महाराष्ट्र के चंदौली से, महाराष्ट्र के चंदौली से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे देखें दो चीजें हो गई, यहाँ पे पूरा पाषाण कालीन स्थल भी है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी उत्खनन हुआ निवासा से, चंदौली से, शिकारपुर से। यहाँ पे जो चंदौली है वहां से लोहे का साक्ष, और निवासा है वहां से आपके रेशम का साक्ष। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि निवासा किस राज्य में स्थित स्थल है, चंदौली किस राज्य में स्थित स्थल है, तो निवासा आपका कहाँ पे स्थित है, निवासा स्थित है और वो है आपका, निवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और चंदौली कहाँ पे स्थित है, इस पर हमने बातें किया। आगे देखते हैं, अला है उड़ीसा, अला है उड़ीसा। उड़ीसा ये नोट कर ले, उड़ीसा के बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा के बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी घाटी से, ब्राह्मणी नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के औजारों के साक्ष्य मिलते हैं, औजारों के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है दक्षिण भारत, अगला है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत ये नोट कर ले। दक्षिण भारत में मद्रास के समीप से, दक्षिण भारत में मद्रास के समीप से हेंडेक्स परंपरा के उपकरण प्राप्त होते हैं, हेंडेक्स परंपरा के उपकरण प्राप्त होते हैं। उपकरण प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। आगे नोट कर लें। अभी हमें देखें एक नाम हमने बताया था आरबी फुट, जिसे रॉबर्ट ब्रूस फुट भी कहा जाता है, आरबी फुट कहा जाता है, आरबी कुट कहा जाता है। आरबी फुट या आरबी कुट ने कहां पर उत्खनन कार्य करवाया, और वहां से एक तरह से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी को प्राप्त किया, तो उसका आंसर है पल्लवरम, मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान है, उसी पल्लवरम से इन्होंने क्या किया, पल्लवरम से इन्होंने एक तरह से पत्थर की कुल्हाड़ी को प्राप्त करने का काम किया। नोट कर ले, स्टारना के सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ब्रूस फुट ने मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर, पल्लवरम नामक स्थान पर उत्खनन कार्य करवाया, जहां के उत्खनन से पत्थर के हेंडेक्स को प्राप्त किया, पत्थर के हेंडेक्स को प्राप्त किया।
आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखें, इस पलवरम के अलावा एक और जगह था अत्रिपकनम, इसी मद्रास के समीप अत्रिपकनम, यहां से भी एक तरह से पत्थर के उपकरण, पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए। एवं नोट कर ले, मद्रास के अत्रिपकनम से भी, मद्रास के अत्रिपकनम से भी पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। अत्रिपकनम से भी पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, आगे नोट कर ले, दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित है, दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित है, मद्रास में स्थित है कुतलयार नदी घाटी में, कुतलयार नदी घाटी में, कुतलयार नदी घाटी में पूर्व पाषाणी के उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं, उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह यहां पे हमने बातें किया निम्न पुरापाषाण काल के बारे में, निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, इन्हें साक्ष्यों के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम लोग बातें करेंगे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल जो दूसरा हमने डिवीजन किया था, मिडिल पेलियोलिथिक एज, इसको देखते हैं। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल के कौन कौन से जगह से साक्ष्य मिला है, इसके बारे में बातें करते हैं। एवं नोट कर लें, इस काल में तापमान में भारी कमी आई, इस काल में तापमान में भारी कमी आई, जिसका प्रभाव है पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों के ऊपर पड़ा, जिसका प्रभाव है पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों के ऊपर पड़ा। पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों के ऊपर पड़ा, यानी कि जो पाषाण प्रौद्योगिकी था, जो भी पत्थर के बनाए गए उपकरण थे, उसके ऊपर मध्य पुरापाषाण काल का प्रभाव पड़ा। आगे नोट कर लें, स्टारना के इस पाषाण काल में पत्थरों के फलक उतारकर, पत्थरों के फलक उतार कर उससे बेधनी, खुरचनी, बेधनी, खुरचनी, बेधनी, खुरचनी इत्यादि उपकरण बनाए गए। यहां पर देखें, बेधनी का मतलब जो बेधा जाता था, छेदा जाता था, बर्छी। खुरचनी का मतलब क्या हो जाता है? खुरचने वाला, जैसे आप किसी चीज पर खुरचते हैं। इस सब पत्थरों के ऊपर की जो फलक थी, इसी फलक को निकाल दिया, और जो फलक निकल गया पत्थर का गोलाकार का, उसी में से जो भी निकला उसी का पतला पतला उपकरण बनाने का काम किया मानव ने। यहाँ पे फलक सबसे ज्यादा उतारने का काम किया गया, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। एवं नोट कर ले, इस समय फलक की अधिकता प्राप्त होती है,
इस समय फलक की अधिकता प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए इस काल को फलक संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। नोट कर ले, फलक एक ऐसा औजार होता था, फलक एक ऐसा औजार होता था जो पत्थरों को तोड़कर प्राप्त किया जाता था, पत्थरों को तोड़कर प्राप्त किया जाता था, प्राप्त किया जाता था। आगे नोट कर ले, प्राप्त किया जाता था। अब यहां पर देखे, इस मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं, एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है। तो देखते हैं मध्यपुरा पाषाण के प्रमुख स्थल, मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल, पहला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है नेवासा, यहां से भी नेवासा से साक्ष्य मिलता है, इस समय मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलता है। तो है पहला नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा, नेवासा से मध्यपुरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। दूसरा चिरकी, चिरकी भी है महाराष्ट्र में, यहां से भी मिलता है। अगला है राजस्थान, राजस्थान में लूनी नदी घाटी से मध्यपुरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है, लूनी नदी घाटी से, लूनी नदी घाटी से मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलता है। आगे नोट कर ले स्टारना के, इसी तरह है उत्तर प्रदेश है, इसी तरह है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी, वाराणसी में चकिया जगह है, उत्तर प्रदेश के चकिया वाराणसी, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर, बेलन घाटी मध्य प्रदेश है, बेलन घाटी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है उच्चपुरा पाषाण काल, अगला है उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, नोट कर लें स्टारना के, उच्चपुरा पाषाण काल में आर्द्रता कम थी, उच्चपुरा पाषाण काल में आर्द्रता कम थी, आर्द्रता कम थी, इसलिए इस काल में, इसलिए इस काल में आधुनिक मानव
होमो सेपियंस का जन्म हुआ, यानी कि इसी काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस आया। जो आज का मानव है उसका प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये होमो सेपियंस है, इसी काल में आया था, इसी काल में होमो सेपियंस का जन्म हुआ था। होमो सेपियंस है, इसी काल में आया था। अब यहां पर देखें, एक है सवाल है कि इस काल में ब्लेड और ब्यूरिन का आविष्कार हुआ था। ब्लेड का मतलब जैसे आज स्टील का ब्लेड आता है, उस समय पत्थर का ब्लेड आता था। वो पत्थर को भी खींच दो तो कहीं पर भी सीधे कट जाता था। तो ये यानी कि उस समय पत्थर के ब्लेड का, ब्यूरिन का इस्तेमाल किया जाने लगा, और सबसे अधिक जो वो हथियार थे वो इसी काल में बनाए गए थे। मैं नोट कर ले, ब्लेड एवं ब्यूरिन, ब्लेड एवं ब्यूरिन नामक उपकरण, ब्लेड एवं ब्यूरिन नामक उपकरण सबसे अधिक, ब्लेड एंड ब्यूरिन नामक उपकरण सबसे अधिक है, सबसे अधिक है इसी काल में, इसी काल से प्राप्त होता है, इसी काल से प्राप्त होता है। तो इस तरह यहां पे देखा जाए, हमने बातें किया कि उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड एंड ब्यूरिन, और दूसरा नंबर हमने बातें किया इससे उच्च पुरापाषाण काल में और क्या था, इसी समय आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म हुआ। तो हमने पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम लोग बातें करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, क्योंकि पूरा जो इतिहास था, पाषाण काल था, वो तीन पार्ट में विभाजित था, पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, न्यूलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें हम लोग देखते हैं, एंड डाल लेते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, एब नोट कर लें। मध्य पाषाण काल का आरंभ है, मध्य पाषाण काल का आरंभ है 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। दूसरा पॉइंट है, यह पूरा पाषाण काल और यह पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की अवस्था था, नव पाषाण काल के बीच की अवस्था था, बीच की अवस्था था। आगे नोट कर ले, धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा, धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम शुष्क हो गया, धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम शुष्क हो गया, मौसम शुष्क हो गया। आगे नोट कर ले, अब यहां पर देखें, इस मध्य पाषाण काल की खोज सबसे पहले किसने किया था? मध्य पाषाण काल की खोज
1857 में सीएल कार्लाइल ने किया था। सीएल कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज किया गया था। नोट कर लें, मध्य पाषाण काल की खोज सीएल कार्लाइल के द्वारा अठारह सौ सत्तावन ईस्वी में किया गया था। में किया गया था। आगे नोट कर ले, इस समय माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगे। पाषाण उपकरण सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। तो अब यहां पे देखें, यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मानव का जो अस्थि पंजर है भारत से, वो इसी काल से मिलने लगता है, जिसे पता चलता है कि मानव पूर्ण रूप से आके इस समय भारत में बस गया था। ये नोट कर लें, मानव के अस्थि पंजर इसी काल से प्राप्त होने लगते हैं। अब यहां पर देखें कौन कौन सा स्थल कहां से मिला है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि मानव पशुपालन का ज्ञान इस समय अर्जित कर लिया था, पशुओं को भी पालना सीख गया था। दाह संस्कार मृतक के सावधान विधि से भी इस समय मानव परिचित हो चुका था। एवं नोट कर ले, इस समय का मानव पशुपालन कला, चित्रकला इत्यादि विशेषताओं से परिचित हो चुका था। आगे नोट कर ले, मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ये सब हम देखते हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य इसमें सबसे पहले देखते हैं राजस्थान। नोट कर ले, हेलो नमस्कार, घर पहुंच गए कि नहीं? अच्छा, करते हैं बस अभी 5 मिनट में क्लास के बाद, ठीक है। तो राजस्थान में दो जगह है, एक है तिलवाड़ा
और दूसरा है बागौर। राजस्थान में दो जगह है, एक है तिलवाड़ा और दूसरा है बागौर। दूसरा है बागौर, ए में नोट कर लें स्टारना के। राजस्थान के तिलवाड़ा क्षेत्र से, राजस्थान के तिलवाड़ा क्षेत्र से छोटे छोटे पाषाण के उपकरण प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे पाषाण के उपकरण प्राप्त होते हैं। दूसरा बागौर, दूसरा हिंड डालेंगे बागौर। बागौर से यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिला के भीलवाड़ा जगह का जिला है वहां का, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला के कोठार नदी के तट पर बागौर नामक है। कोठार नदी के तट पर है बागौर नामक स्थल स्थित है। अब इस बागौर की सबसे बड़ी खासियत है, ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल है। ये नोट कर लें, यह भारत का मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। भारत के मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा पॉइंट है, 1970 में यहां का उत्खनन कार्य बीएनएम मिश्र के द्वारा करवाया गया। यहां का उत्खनन कार्य बीएनएम मिश्र के द्वारा करवाया गया, बीएनएम मिश्र के द्वारा करवाया गया के द्वारा करवाया गया आगे नोट कर ले स्टारना के। दूसरा पॉइंट है, बीएन मिश्र के द्वारा करवाया गया। यहां पे देखिए, बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार मानव पशुओं को जो पालना शुरू किया था उसके साक्ष्य यहां से मिलते हैं। इसलिए दो साइट ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है, एक तो राजस्थान का बागौर है और दूसरा मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है। आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये नोट कर ले, बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, आगे देखते हैं, अगला है और वो है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल है, अगला है गुजरात, नोट कर ले। गुजरात के नर्मदा ताप्ती
गुजरात के नर्मदा ताप्ती माही और साबरमती घाटी से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहां पर देखें उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला में तीन स्थल है जहां पर उत्खनन कार्य हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेतृत्व में, और ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ जिला में है और मध्य पाषाण काल के हैं, दमदमा, महदहा और सराय नाहर। ये तीनों पट्टी तहसील में स्थित है, पट्टी तहसील प्रतापगढ़। एवं नोट कर लें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला के सराय नाहर महदहा और दमदमा से मानव के कंकाल, पशुओं की हड्डी पशुओं के हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं आगे देखते हैं आगे नोट कर ले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के चुपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखते हैं, अगला है पश्चिम बंगाल एवं नोट कर ले पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी के किनारे स्थित बीरभानपुर से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं आगे है आगे नोट कर लें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पच्चीस हजार
25,000 है। सूक्ष्म पाषाण के औजार प्राप्त होते हैं। पाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। 25,000 सूक्ष्म पाषाण के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, बताएं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, साइड मतलब जस्ट मेरे बगल वाला। पूरा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। वही संडे को हम फोन कर लेंगे आपको, बता दें। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से 25,000 माइक्रोलिथिक औजार मिले हैं, सूक्ष्म पाषाण औजार मिले, औजार मिले हैं। दूसरा हमने बातें किया कि आदमगढ़ से भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ये भी नोट कर ले, आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु से टेरी समुदाय की जानकारी मिलती है। आगे है तमिलनाडु, यहां से टेरी उद्योग की जानकारी मिलती है, टेरी समुदाय की जानकारी मिलती है। नोट कर ले, नोट कर ले। कर्नाटक से, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु करेगी, तमिलनाडु से टेरी उद्योग की जानकारी मिलती है, टेरी उद्योग की जानकारी मिलती है, जो मुख्य रूप से मछुआरों का समुदाय होगा, जो मुख्य रूप से मछुआरों का समुदाय होगा, मुख्य रूप से मछुआरों का समुदाय होगा। मतलब वो, हाँ, मछली पालन, मछुआरों का समुदाय होगा। बालू का बहुत बड़ा ढेर है जिसको टेरी उद्योग कहा जाता है, जिसे टेरी उद्योग कहा जाता है, मछुआरों का समुदाय होगा। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, बंगाल की खाड़ी के तट पर है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है मछुआरा समुदाय निवास करता होगा, समुदाय निवास करता होगा। अब हम लोग बातें करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल किसे कहा जाता है? नियोलिथिक एज क्या है? नियोलिथिक एज किसे कहा जाता है?
इसी नौ पाषाण काल में हमने बातें किया था कि यहीं पर चाक और पहिए का आविष्कार हुआ, यहीं पर देखा जाए तो आपका किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, कृषि का प्रयोग मानव इसी समय शुरू किया, आग का प्रयोग शुरू किया, तांबे का पहली बार जो यूज हुआ वो कहाँ पे हुआ, इसी नौ पाषाण काल में हुआ। इस नौ पाषाण काल को हम लोग कल देखते हैं, नियोलिथिक एज क्या है इसके बारे में चर्चा हम कल करते हैं।